उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने अमेरिका से मंगलवार की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया। उत्तर कोरिया की ओर से कहा गया कि कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पारस्परिक विश्वास आवश्यक है। समाचार एजेंसी एफए के मुताबिक उत्तर कोरियाई साप्ताहिक समाचार पत्र टोंगल सिनबो के मुताबिक जब तक अमेरिकी युद्ध के अंत की घोषणा नहीं करता है तब तक उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई कदम नहीं उठाएगा। समाचार पत्र में कहा गया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया के संबंधों में एक सफलता रही है, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप पर युद्ध की समाप्ति अभी भी एक अनसुलझा काम है। कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थायी शांति स्थापित करने के लिए युद्ध के अंत की घोषणा में एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में अमेरिका को सिंगापुर में 12 जून के उत्तर अमेरिकी शिखर सम्मेलन के समझौते को लागू करने के लिए व्यावहारिक उपाय करने चाहिए। आपको बता दें कि उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगापुर में अपनी ऐतिहासिक बैठक में कोरियाई प्रायद्वीप में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण दिशा में प्रतिबद्धता जताई थी और एक निश्चित शांति समझौते तक पहुंचने की प्रतिबद्धता भी जताई गई थी। टीम न्यूज़ नाउ।